हेलो गाइस, ना आज डिस्कस करेंगे जो भी टेक्निकल पोर्शन कल रह गया था हमारा सिविल का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस का सारा ऑर्डर आप देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, क्योंकि सारे डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चंस सारे आगे पीछे होंगे, तो एक बार आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करेंगे उनका ऑर्डर कैसा रहेगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ द ऑर्डर, एक बार इसको देख लो जल्दी से। ठीक है, पॉज करके देख लेना जो भी होगा, इसको मैं अभी जल्दी से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्वेश्चंस आपके यहाँ पे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है ना, जिसमें कि क्वेश्चन में आंसर थोड़ा डाउटफुल रह सकता है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल सॉरी जो हमारे दूसरे क्वेश्चंस होंगे जिसमें सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वो तो आप खुद कर ही सकते हो। अगर फिर भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना उनको। ठीक है, बाकी अभी जो हमने इस वीडियो में जो कवर करेंगे, ये सारे टोटल 17 क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे इस बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वर्ड रेशो हमें दे रखी थी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा था, जैसे ये वर्ड रेशो हमारे पास दे रखी है कि क्वेश्चन में 0.7 है। ठीक है, तो पोरोसिटी निकालनी है, तो वर्ड रेशो हमें पता है, इसको हम बेसिकली फेज डायग्राम से करेंगे। तीन फेजेज होंगे इसमें, एयर, वाटर और सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को हमने रिप्रेजेंट किया VS, और उसके वॉइड्स को टोटल हमने VV से डिनोट किया। तो पोरोसिटी वॉइड रेशो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो वॉइड रेशोस हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.7, तो इसको लिख सकते हैं 0.7/1, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा हो गया 1, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो ये दे रखा है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0.7। तो मैं टोटल वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकता हूँ VS+VV। ठीक है, जो कि मैं V से डिनोट किया टोटल वॉल्यूम को। तो अगर मैंने 0.7+1 किया, डिनोमिनेटर में आ गया 1.7, और न्यूमिरेटर में पोरोसिटी में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दैट इज़ 0.7, तो 0.7/1.7 इसका आंसर आ गया, 0.412। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास, एक तो हमें दे रखा है कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट हमने किया इसमें। ठीक है, और हमें कॉफिशेंट ऑफ परमेबिलिटी यानी कि K की वैल्यू को निकालना है इसमें हमने। ठीक है, तो K की वैल्यू बेसिकली डार्सीज लॉ हमने पढ़ा हुआ है इसमें, Q=KI है। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू है, आई क्या है इसमें, बेसिकली जो ग्रेडियंट आएगा, बेसिकली हेड लॉस जो होगा, क्योंकि पानी जैसे इसमें से पास करेगा तो उसमें उसके जो हेड के कारण लॉस होगा। ठीक है, इस पूरी लेंथ के कारण, दैट इज़ बेसिकली आई। तो हेड हमारे पास इनिशियली था 60 सेंटीमीटर का हेड था। ठीक है, और लेंथ एल इज़ द लेंथ ऑफ द सैम्पल जो सॉयल स्पेसिमेन हमारे पास दे रखा है। के परमेबिलिटी, ए हो गया इसका, इस सॉयल सैम्पल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा इस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास डायमेंशंस दे रखी हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है, हाँ, डाया 5 सेंटीमीटर दे रखा है और लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्यू हो गया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बेसिकली कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है नीचे जो है पानी हम कलेक्ट कर रहे हैं इसमें, किसी बीकर में या कोई भी सैंपल होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 100 सेकेंड में हमने पानी कितना इकट्ठा किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिस्चार्ज की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1000/100, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और एल की वैल्यू हमें पता है, एरिया की वैल्यू हमने निकाली π d² / 4। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ही आ जाएगा क्योंकि सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया ये, और हाइट ऑफ एच आ गया हेड कितना होगा। तो इसकी जैसी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी, दैट इज़ 0.084 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें कैलकुलेट करना है वर्ड रेशो को। ठीक है, ई की वैल्यू हमने निकालनी है, गामा डी हमारे पास दे रखा है और GS की वैल्यू भी दे रखी है। तो गामा टी यानी कि बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला जो है हमारे पास, दैट इज़ G+CS γW/1+E। तो अगर मुझे वैल्यू दे रखी है गामा डी की, मतलब ड्राई सैंपल में मेरी डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होगी वो तो होगी जीरो। तो अगर एस की वैल्यू हम जीरो सब्सिट्यूट कर देंगे तो फार्मूला रह जाएगा गामा डी GS γW/1+E। ठीक है, और वैल्यूज़ हमारे पास सारी दे रखी हैं इस क्वेश्चन में भी, GS की वैल्यू 2.68, गामा डब्ल्यू दिस वन एंड गामा डी ये यूज़ करेंगे, और इसमें से बाकी सब कुछ है, सिर्फ E की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही वैल्यू सॉल्व करेंगे इसको, इसका आंसर आ जाएगा 0.813। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था पर्ट CPM से था इसमें, इसमें क्या दे रखा है, तीन टाइम दे रखे थे। ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा था, पैसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा था। ठीक है, और हमें पता है जो एक्सपेक्टेड टाइम है हमारा, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा, T0+4 times मोस्ट लाइकली एंड प्लस TP दैट इज़ पैसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। बस इसको ऑर्डर ध्यान से देख लेना था, ऑप्टिमिस्टिक TO7 था, पहले पैसिमिस्टिक दे रखा है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे यूज़ हम TM करना है, तो TP अगर यूज़ करेंगे 13 आ गया और TM की वैल्यू 10 आ गई। जैसी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इसका आंसर आ गया
10 days आ गया. एक्सपेक्टेड जो टाइम होगा हमारे पास विद द हेल्प ऑफ पार्ट एनालिसिस दैट विल बी 10 days. ओके नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेलवे से क्वेश्चन डाल रहा हुआ ये क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1 in 8.5 बेसिकली नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इस फॉर्म में दे रखी होती हैं, ठीक है ना. 1 in n जो होता है, n जो डिनोट करता है दैट इज नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, और हमें कैलकुलेट करना था कर्व लीड की वैल्यू को. कर्व लीड जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 into g into n, 2gn, n तो आ जाएगा यहाँ से जो नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स हैं, और g होता है बेसिकली गेज जो डिसाइड करता है कि हमारा ट्रैक कैसा है, ठीक है. जैसे इसमें दे रखा है ब्रॉड गेज ट्रैक है, ठीक है. तो जी की वैल्यू ब्रॉड गेज के लिए होती है 1676, दैट इज़ 1676 है, बट इसमें मीटर में यूज़ करेंगे तो 1.676. एन की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 8.5, और जैसे ही फॉर्मूले में डाला इसकी वैल्यू आई हमारे पास 28.5, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रेलवे से क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन तो पहले भी, ठीक है. तो हमारे पास दे रखा है कि 1000 मीटर लॉन्ग हमारे पास क्या एक ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है, और जिसमें स्लीपर डेंसिटी कितनी है m+5, ठीक है. और क्या दे रखा है, हाँ, इसकी लेंथ कितनी ज्यूम करनी है हमने ब्रॉड गेज के लिए, जो एक रेल की लेंथ हमने माननी है दैट इज 13 मीटर, ठीक है. तो 1000 मीटर का ट्रैक था मेरे पास, ठीक है, और 13 मीटर एक ट्रैक की लेंथ है मेरे पास, एक रेल की लेंथ है, तो नंबर ऑफ रेल्स आ जाएंगी 77. और डेंसिटी का मतलब है कि एक रेल के नीचे कितने स्लीपर लगेंगे, ठीक है. वो दे रखा है हमें m+5, m की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 13, ठीक है. तो जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उसका आंसर आ गया 18, ठीक है. मतलब कि एक रेल के लिए हमें चाहिए 18 स्लीपर्स, तो 77 रेल के लिए चाहिए कितने, 1386. ऑप्शन में आई थिंक 1385 दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे से क्वेश्चन था ये, ठीक है. डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट्स टॉपिक, इसमें बेसिकली सीधा सीधा ही दे रखा है, अगर स्ट्रेस रेशो की जो हमारी जो वैल्यू होती है, ठीक है, अगर वो 0.45 से कम होती है तो ठीक है ना, जो अलाउबल फटीग रेपिटेशन जो होती हैं वो इनफाइनाइट हो जाती हैं इसमें, ठीक है ना. तो इसमें डायरेक्ट ही हमें क्वेश्चन में दे रखा था 0.03 दे रखी है, मतलब SR की वैल्यू जो है वो 0.45 से कम है, तो इसमें सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट इनफाइनाइट आंसर आ जाता, बस डाटा ही आपको आना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हाईवे से क्वेश्चन था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, ठीक है. और डाउन दी ग्रेडियंट अगर दे रखा है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट दे रखा है, ठीक है, मतलब स्लोप अगर गाड़ी नीचे जाएगी तो इसमें देखो, अगर नीचे जाएगी एक तो इसके नीचे जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और ब्रेक लगाएंगे तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, मतलब हमें डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा. अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आएगी तो ही पूरा रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है. तो इसलिए ये माइनस का, माइनस और प्लस में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि प्लस यूज़ करें या माइनस यूज़ करें, ठीक है. तो डायरेक्ट यहाँ से SSD की वैल्यू ये क्या आ गई, VTR, ये रिएक्शन टाइम के कारण जो हमें सोचने में टाइम लगेगा VTR, और उसके बाद जो ब्रेक लगाने के बाद जो हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी हमारा व्हीकल, दैट इज़ v² / 2g, म्यू होता है, बट इसमें डाउन दी ग्रेडियंट है तो माइनस n भी करना पड़ेगा हमें, सॉरी, ठीक है. और एक चीज़ और, इसमें जो वेलोसिटी यूज़ करते हैं ये दोनों में, ठीक है, तो दैट इज़ इन मीटर पर सेकेंड. तो अगर 80 km/h दे रखा है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई करके 22.2 मीटर पर सेकंड. ओके, तो TR कितना है हमारे पास, 2.5 सेकंड, G 9.81, म्यू 0.35, और N की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, दैट इज़ 2%, 2/100 करके इसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ 0.02. जैसे ही सारी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे, सारी वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है, जो हमारे पास रिएक्शन टाइम के कारण जितना टाइम डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज़ 55.5, और उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस जो आ जाएगा दैट इज़ 76.2, ऐड अप करेंगे इसको, इसका आंसर आ जाएगा 132 मीटर्स. ओके, 131.7 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी अप्रॉक्सीमेट कर ली वेलोसिटी को यहाँ पे, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सोम से क्वेश्चन था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कॉलम्स वाला जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है. बेसिकली इसमें यूलर्स लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूलर्स स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूला से दे रखी है, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है. और अगर स्ट्रेस मेरे पास है और मैं क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी लोड की वैल्यू. अब इसमें टर्म्स को देखते हैं कि टर्म्स क्या क्या होती हैं, ठीक है. पाई पाई कांस्टेंट है, ठीक है, ई हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं दोनों की FY की, ठीक है. और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज़ बेसिकली स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम. एल इफेक्टिव बेसिकली डिपेंड करता है सपोर्ट कंडीशंस कैसी हैं, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है, तो उस केस में डिफाइन करना पड़ता है कि कॉलम्स में एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है. तो डिनोमिनेटर में है आर मिनिमम, दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन,
और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन एरिया, एरिया इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक चीज़ इसमें दे रखी है, जब कॉलम जो हमारे पास हैं उनका क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है हमारे पास, अगर क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों कॉलम्स का तो उसमें आई के कारण तो कोई चेंज आना नहीं है, आई दोनों कॉलम्स के लिए सेम रहेगा और एरिया तो वैसे ही सेम रहेगा, डायरेक्ट दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। तो मतलब आर मिनिमम के कारण तो दोनों में कोई फ़र्क आना नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो आर मिनिमम को तो, ठीक है। इसमें भी आर मिनिमम मतलब डिनोमिनेटर तो कोई इफेक्ट लाएगा नहीं, न्यूमिनेटर में इफेक्ट कैसे आएगा, देखो सपोर्ट कंडीशंस भी दे रखा है ऊपर में, सपोर्ट कंडीशन भी सेम है, तो सपोर्ट कंडीशन सेम होने से क्या हो गया, एल इफेक्टिव में सिर्फ जो चीज़ डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास लेंथ जो है वो कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट कंडीशन के कारण जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो भी सेम रहेगी। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा को मैंने रिप्लेस कर दिया सीधा एल से, क्योंकि लेंथ मुझे दे रखी है अलग अलग दे रखी है, इसमें एक में मुझे दे रखी है एल की वैल्यू सिंगल एल है, ठीक है, और दूसरे में दे रखा है एल की वैल्यू कितनी मेरे पास 2L है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसमें लैम्डा को हमने रिप्लेस कर दिया इसके साथ एल के साथ, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। तो जैसे ही हमने फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, इस जो हमारे पास लोड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी इस फार्मूला से, इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पी सी आर अपॉन पी, पी सी आर अपॉन क्यू, ठीक है, पाई स्क्वायर ई वन ए वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जैसे इसको सॉल्व करेंगे इसमें पाई स्क्वायर कांस्टेंट है कैंसिल हो जाना है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है वो भी कैंसिल हो गया, बचा रहेगा ई वन लैम्डा ई टू लैम्डा। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ई वन ई टू की वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे ही आंसर सब्सटीट्यूट किया रेशो आ गई हमारे पास पी अपॉन क्यू की 2:1, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सोम सी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा सोम में, जैसे आपने m अपॉन i इज इक्वल टू f बाय y, ठीक है ना, तो इसी फार्मूला से बेसिकली i अपॉन y को हम बोल देते हैं z, दैट इज सेक्शन मॉडुलस जो होता है हमारे पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू आगे i अपॉन y, y जो होता है ये डिपेंड करता है न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम फाइबर जो होता है टेंशन या कंप्रेशन में उसका डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारे पास, तो इस केस में दोनों में ही, दोनों केसेज में क्या हो जाएगा, डेप्थ चेंज नहीं हो रही ना, तो डेप्थ ना चेंज होने के कारण दोनों केसेज में डी बाई टू ही रहेगा, चाहे ऊपर वाले में ले लो चाहे नीचे में ले लो, दोनों में डी बाई टू ही रहना है, उसमें कोई फर्क आना नहीं, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होगी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास d बाय टू, ठीक है, और अब रह गया i, i बेसिकली इसमें होगा bd क्यूब बाय 12 होगा, इसमें रेक्टेंगुलर में डिनोमिनेटर के कारण भी कोई फ़र्क नहीं आना, क्योंकि जब रेशो कैलकुलेट करेंगे वो भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ bd क्यूब। तो इस केस में b है b, ठीक है, बेसिकली निकालना है न्यू अपॉन ओल्ड के लिए, तो न्यू सेक्शन ये है हमारे पास जिसकी विड्थ है 2b और ओल्ड सेक्शन है हमारे पास जिसकी विड्थ है b, ठीक है। तो इसमें जैसे ही डालेंगे बी डी क्यूब जैसे किया, इसमें बी की वैल्यू 2b यूज़ की, तो उसकी जो रेशियो निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 2:1, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेइंग से क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, तीन कंजेकटिव रीडिंग्स दे रखी थी 1.325 विद दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं, और उसके बाद ये चीज़ बोल रखी है कि इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया फर्स्ट रीडिंग लेने के बाद, मतलब पहले मेरा इंस्ट्रूमेंट कहीं सेट था, मैंने फर्स्ट रीडिंग ली और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट, अगर मान लो पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे था, जैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंट अपना इस जगह पे शिफ्ट किया मैंने, तो मुझे सबसे पहले जो इसकी रीडिंग लेंगे वो बैक साइड वाली रीडिंग आएगी, ताकि मुझे इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है उसको मुझे कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियली हमने माना कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है वो डेटम से हमारे पास 100 मीटर की हाइट पे है, और जो ये जो फर्स्ट रीडिंग दे रखी है ये डेफिनेटली फोर साइट होगी, अगर यहाँ पे स्टाफ पड़ा होगा तो फोर साइट की रीडिंग आ गई 1.325, तो 100 में से इसको माइनस किया, मतलब इस पॉइंट का ग्राउंड लेवल GL का हमारे पास ये आ गया, RL आ गया हमारे पास, इस ग्राउंड पॉइंट का पॉइंट वन का RL की वैल्यू आ गई दैट इज़ 98.675, ठीक है। अब यहाँ से इसको इंस्ट्रूमेंट को हमने शिफ्ट किया और यहाँ पे सेटअप कर दिया, अगर यहाँ पे सेटअप करेंगे, अभी डिस्कस किया, पहले बैक साइड लेंगे, मतलब जो सेकंड रीडिंग दे रखी है दैट इज़ ऑफ बैक साइड, ठीक है, तो मतलब स्टाफ पे रीडिंग ली हमने तो उसकी वैल्यू आ गई 0.985, इस बॉटम पॉइंट की रीडिंग है 98.675, अगर मैं इसमें 0.985 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, अब मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट सेट हो चुका, ठीक है, जिसकी लाइन ऑफ साइट है 99.66 मीटर पे। अब अगली जो रीडिंग होगी वो होगी फोर साइट की, ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर मैंने स्टाफ रखा तो उसकी वैल्यू आ गई 2.546, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट का जो हमारे पास RL है दैट इज़ 99.66, उसमें से मैंने इसको माइनस कर दूंगा 2.546 को, तो मेरे पास इस ग्राउंड का एलिवेशन या RL आ जाएगा, इसको हमने डिनोट कर दिया 0.2 से। तो बेसिकली दो पॉइंट्स आ गए, दोनों का RL आ गया, पहले पॉइंट का RL ये आ गया, दूसरे पॉइंट का RL हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसका RL मान लो कि डेटम हमारे पास ये है, ये जीरो है,
ठीक है, ये 0 से 98 हाइट पर है ये जो आर एल है, ठीक है, और ये मान लो ये है 97 पे। तो क्लियर सी बात है, अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से इस ग्राउंड लेवल से इस ग्राउंड लेवल तक आना है तो हमें नीचे आना पड़ेगा, तो ये तो क्लियर हो गया कि फॉल ही होगा। आर एल से भी वैसे तो क्लियरली पता चल रहा है हमारी, ठीक है। और कितना फॉल आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के आर एल का डिफरेंस अगर निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 1.561, और फॉल हमने देख चुके हैं अभी कि कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें सिंपली वेलोसिटी का हेड ही दे रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा तो मुझे लगा नहीं क्या कर सकते थे इसमें सिंपली, क्योंकि पूछा हुआ है कि वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करना है 20 डाया सेक्शन में, दो दे रखे थे, एक 20 डाया सेक्शन उसके बाद रिड्यूस हो रहा है 10 सेंटीमीटर डाया सेक्शन में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हेड की वैल्यू जो होती है बर्नौलीज इक्वेशन हमें पता ही है, जो हम हेड निकालते हैं उसमें से, ठीक है, प्रेशर हेड पी बाय गामा, वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉन 2g, और एक डेटम हेड होता है जिसको हम जेड से डिनोट कर देते हैं। इसमें सिर्फ वेलोसिटी हेड पूछा गया, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी की वैल्यू इस सेक्शन में हमें दे ही रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो वी की वैल्यू सब्सिट्यूट की 2 × 9.81, वेलोसिटी हेड हमारा आ रहा है हमारे पास इसमें 1.27 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है ये बेसिक, हाँ ये ओपन चैनल फ्लो से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, चीज़ वाला। इसमें एक चीज़ जो थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें हाइट का थोड़ा कैसे पता चलेगा, वो इसमें एक स्टेटमेंट इसने दे रखी है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम डिस्चार्ज। इसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन होती है दैट इज़ विड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ, मतलब इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ये होगी हमारे पास वाई, ठीक है। बट इसमें मुझे बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, विड्थ दे रखी है 8 मीटर, तो मेरे पास डेप्थ कितनी आ जाएगी सेक्शन की, वो आएगी 4 मीटर। बस अगर ये चीज़ समझ आ गई उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्योंकि चीज़ी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी का, वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस। एक चीज़ ध्यान रखना, पूछा गया डिस्चार्ज, इसमें आएगी हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, तो सी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 50, ठीक है। आर क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस दैट इज़ एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, एरिया हो जाएगा इसका 8 × 4 रेक्टेंगल है, और वेटेड पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4 + 8 + 4, तो बन गया 8 + 2, 2 × 4, इसकी वैल्यू आ गई 2 मीटर्स, या याद भी रख सकते हो डायरेक्टली वाई पॉइंट टू होता है इसमें, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो आर की वैल्यू होती है हाइड्रोलिक रेडियस की दैट इज़ वाई पॉइंट टू, तो ये आ गया 2 मीटर। एस की वैल्यू दे रखी है 1/3200, इसमें वैल्यू तीनों सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है, एक आर की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी डिस्चार्ज क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है, तो इसमें हमने जैसी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, एरिया 8 × 4, उसकी वैल्यू आ गई 40 m³/s। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्लूइड से क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि एक जो कोई पाइप आ रही थी, ठीक है, उसके बाद उसका पाइप का जो पानी था वो आगे दो पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये पैरेलल बेसिकली पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में एक चीज़ हमारे पास क्या होती है कि जो हेड लॉस होगा इस पाइप में और इस पाइप में जो हेड लॉस होगा वो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, HF1 = HF2, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता कितना है हमारे पास FLV² / 2GD। तो अगर इन दोनों को इस इक्वेशन HF1 HF2, मतलब फ्रिक्शन ये जो दे रखा है हमारे पास, फ्रिक्शन फैक्टर सेम है, लेंथ भी दोनों में सेम दे रखी है, एक आ जाएगा V की वैल्यू आ जाएगी V1 यहाँ पे, और D की वैल्यू को मैंने लिख दिया D2, और वैसे इन दोनों को इक्वेट करवा दिया, तो जैसे ही FL FL तो दोनों तरफ कट जाएगा, और 2G तो कांस्टेंट है, 2G भी खत्म हो गया, बचा क्या रहेगा, V1 / V2 = √D1 / D2, स्क्वायर रूट आ गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इनका, ठीक है। और जैसे ही मैंने D1 D2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, आंसर आ गया √2 दैट इज़ 1.414। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्लूइड से क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, एक जो हमारे पास क्या है, एक टैंक है, ठीक है, नीचे इसमें ऑरिफिस दे रखा है जिसका डाया दे रखा था ये, इसमें इसको यूज़ तो कुछ था नहीं, डायरेक्ट इसमें दे रखी है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, हमें दे रखा है 0.15 m³/s, और नीचे पानी इकट्ठा कर रहे हैं, और बीकर का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ गिवन एज 2 × 2, और इसमें पानी किस रेट से ग्रो कर रहा है, 1 मीटर पानी 40 सेकंड में, मतलब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में डिस्चार्ज कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली इस डाटा को यूज़ करके, क्योंकि क्रॉस सेक्शन हो गया इसका 2 × 2 बेस का, ठीक है, इंटू हाइट कर दी मैंने, टोटल वॉल्यूम आ गया मेरे पास, और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम अगर मैंने कर दिया, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मैंने टाइम कर दिया, तो मेरे पास आ गया डिस्चार्ज आ गया, तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो एम क्यू पर सेकंड में मेरे पास एक्चुअल आ गया
0.1 MQ पर सेकंड। एंड ये चीज़ हमें पता है बेसिकली, जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी और एक्चुअल हमेशा कम होती है, तो सी डी की वैल्यू भी 1 से कम होगी। एंड क्यू एक्चुअल इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। एक्चुअल भी मुझे पता है वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से हम सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 0.66। ओके अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी फ्लूड से ही था, ठीक है। इसमें बेसिकली दे रखा था एक आइसोसेलस प्लेट है जिसका बेस 3 मीटर का दे रखा है और जिसका अल्टीट्यूड है वो 6 मीटर का दे रखा है इसमें, ठीक है। और जो इसका बेस था प्लेट का, ठीक है, और वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, विद द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये फ्री सरफेस हो गया मतलब पानी भी सिर्फ इतनी हाइट तक ही प्रेजेंट है, 6 मीटर तक ही प्रेजेंट है। तो इसमें हमने निकालना क्या था, टोटल प्रेशर ऑन वन फेस ऑफ द प्लेट। बेसिकली पूछा प्रेशर हुआ, बट यूनिट्स में ऑप्शन में दे रखे थे, यूनिट्स किलो न्यूटन में दे रखे थे, ठीक है ना। तो किलो न्यूटन में दे रखा है मतलब प्रेशर नहीं आएगा, वहाँ से हमारे पास लोड की वैल्यू आएगी, कितना फोर्स लगेगा उसके कारण, ठीक है ना। प्रेशर फोर्स आएगी बेसिकली यहाँ से हमारे पास, बट यूनिट से आइडिया लग गया हमें कि कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो प्रेशर कितना होगा, दैट इज़ इक्वल टू कि अगर जितना सी जी पे वाटर के कारण प्रेशर लगेगा, दैट विल बी इज़ इक्वल टू कितना इसमें प्रेशर पूरी प्लेट पे लगेगा, ठीक है। तो सी जी कितना आ जाएगा, अगर 6 मीटर है तो नीचे से 2/3, ऊपर से 1/3 होगा, तो ऊपर से 1/3 दैट इज़ 2 मीटर, ठीक है। तो वाटर के कारण 2 मीटर हेड के कारण पानी कितना आएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा 9.81 × 2, उसके कारण जो प्रेशर की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पूरे अगर एरिया को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगी फोर्स कितनी आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया फोर्स आ जाएगा ना। तो टोटल प्रेशर फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 176.58 किलो न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन, ये भी फ्लूइड से क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है दो प्लेट्स दे रखी हैं, 2 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, और ऊपर वाली प्लेट को अगर हम 3 मीटर पर सेकंड से मूव करवा रहे हैं, और इसमें जो फ्लूड था उसकी हमें विस्कोसिटी दे रखी है, 10 पॉइज, ठीक है। तो बेसिकली अगर पॉइज को हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पॉइज जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ सीधे ही 10 पॉइज ही दे रखे थे, तो इसकी वैल्यू, विस्कोसिटी की वैल्यू को हम 10 पॉइज यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे ऐसे यूनिट में 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास शीयर स्ट्रेस होता क्या, बेसिकली म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। डी यू मतलब कि कितना इसमें वेलोसिटी का वेरिएशन है, और इस वेलोसिटी का वेरिएशन कितनी वाई के कारण है, वो वैल्यू आ जाएगी डी यू और डी वाई की, ठीक है। तो मैंने जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, म्यू की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, डी यू की वैल्यू आ गई मेरे पास ये 3, और डी वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई ये 2 सेंटीमीटर। बेसिकली अगर सारी यूनिट्स मीटर में है मेरे पास, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो मुझे इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1 × 3 × 2 × 10⁻², इसकी वैल्यू आ गई 300/2, दैट इज़ 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ही ऑलमोस्ट जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स थे जिसमें थोड़े डाउटफुल हो सकते थे आंसर्स, वो सारे हमने क्लियर कर दिए हैं इसमें, ठीक है। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख देना, क्योंकि नंबर से पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा आपको ये, ठीक है। प्रीवियस वीडियो पे बहुत अच्छे मतलब कमेंट्स आए, बहुत अच्छे आपने फीडबैक दिया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, ठीक है, थैंक यू।